ये मूवी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी टीचर के प्यार में पागल हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, और वो भी एक बार नहीं हर रोल पर। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम बोनी है, और वो बॉबी से बातें करने लगती है, और बॉबी बोनी को बहुत पसंद करता है पर वो उसे बोल नहीं पाता क्योंकि बोनी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, और उसका बॉयफ्रेंड उसी समय वहां पर टपक जाता है, मतलब कि आ जाता है और बोनी को अपने साथ अपनी बड़ी सी कार में बिठाकर ले जाता है। पर उसी रात बॉबी भी काफी ज्यादा एंजॉय करता है, पर किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ ही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉबी स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि एक बहुत सुंदर सी कन्या उसे मिलने के लिए आई है, और बॉबी उस लड़की से मिलने के लिए स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम टैरी है और वो उसकी फ्रेंड टीचर है। अब टैरी बॉबी से मिलने के बाद बॉबी के फादर से मिलने के लिए जाती है, और बॉबी के फादर वहाँ पर कहते हैं कि अगर बॉबी के 85% से ज्यादा नंबर आए तो वो उसे $10,000 एक्स्ट्रा देंगे, वो भी बोनस के तौर पर। और ये सुनकर टैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब टैरी बॉबी को ट्यूशन देना स्टार्ट करती है, पर बॉबी को फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बॉबी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है, जहां पर उसका एक दोस्त वेटर्स को बोलता है कि तुम्हें मेरे दोस्त बॉबी के साथ इंटीमेट होना है, और वो मान जाती है। और तभी हम देखते हैं कि बॉबी उस वेटर्स के साथ कार में इंटीमेट हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर उस वेटर्स का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कार से बाहर निकलकर भाग जाती है, और बॉबी भी डर के मारे बिना कपड़ों के ही कार से बाहर निकल जाता है। दरअसल उस वेटर्स का बॉयफ्रेंड गुंडा होता है और बॉबी के दोस्त बिल्ली को पकड़ लेता है, पर वो वेटर्स भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, जिस वजह से वो गुंडा बिल्ली को छोड़ देता है। और जब बॉबी अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसकी टीचर टैरी बिना कपड़ों के उनके स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, और बॉबी उसे छिप छिप कर देखता रहता है, और उसके दिल में टैरी को लेकर कुछ कुछ होने लगता है। अब अगली सुबह टैरी बॉबी को ट्यूशन दे रही होती है, तब वो बॉबी को एक क्वेश्चन पेपर देकर और उसे सॉल्व करने का बोलकर अंदर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है, पर बॉबी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जगह वो टैरी के साथ इंटीमेट होने का इमेजिन कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर टैरी आ जाती है और बॉबी के इस प्यारे से सपने को तोड़ देती है, और उसे सोते हुए देखकर बोलती है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, और वो दोनों स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं। और तभी बॉबी टैरी से पूछता है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड है, पर टैरी बोलती है कि पर्सनल सवाल ना करो, पर बॉबी बार बार यही सवाल करता है, जिस वजह से टैरी उसे बताई देती है कि यस उसका बॉयफ्रेंड है, पर अब उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, मतलब कि बॉबी की लाइन अब क्लियर थी। अब नेक्स्ट डे टैरी बॉबी का फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट लेती है, जिसमें बॉबी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और इसलिए ये दोनों इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे में जाते हैं, और वहाँ पर टैरी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, और उसे देखकर टैरी का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात फिर से टैरी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, वो भी बिना कपड़ों के, मतलब कि उसने स्विमिंग सूट भी नहीं पाया होता, और बॉबी उसे छिप कर देख रहा होता है। पर इस बार टैरी बॉबी को देख लेती है और स्विमिंग पूल से बाहर निकल कर बॉबी को कहती है कि ऐसे छिप कर किसी को देखना अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह जब बॉबी अपने घर से बाहर निकल कर कहीं जा रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है कि टैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रही है। अब इसका मतलब ये है कि टैरी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में अब सब ठीक हो चुका है, और इन दोनों को एक साथ देखकर बॉबी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसी रात हम देखते हैं कि जब टैरी अपना काम खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, तब वो वहाँ देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड कार में किसी और लड़के के साथ घपा घप लगा हुआ है, और ये सब टैरी देख लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर वहाँ से चली जाती है। और जब टैरी बॉबी को उदास देखता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तब टैरी उसे सारी बातें बताती है, और ये सब बातें सुनकर बॉबी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। टैरी अब नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है, और बॉबी भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है, पर टैरी उसे स्विमिंग पूल में खींच लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, दरअसल बॉबी के डैडी भी टैरी को बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, और इसलिए बॉबी के डैडी टैरी को अपने रूम में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूं। पर टैरी को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा होकर वहां से अपने घर पर चली जाती है। अब अगले दिन बॉबी टैरी के घर पहुंच जाता है, तब टैरी बॉबी को बोलती है कि जो भी हमारे बीच है उसे सीरियस ना लेना, और बॉबी ये सुनकर कहता है कि जो कुछ भी हमारे बीच है वो सब कैजुअल है बस। ये सुनकर टैरी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके साथ ताबड़तोड़ वाला इंटीमेट होती है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि बॉबी टैरी से प्यार करने लगा है और टैरी के मन में भी बॉबी के लिए कुछ हो रहा है। अब आगे दिखाया जाता है कि बॉबी के डैडी बॉबी और टैरी को किस करते देख लेते हैं, और नेक्स्ट डे बॉबी को अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हें जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है
इसके लिए मैं तुम्हारी फ्रेंड टीचर को $10,000 पे कर रहा हूँ। अब ये सुनकर बॉबी को बहुत बुरा लगता है और अपने डैडी के साथ झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है और सीधा टेरी के पास पहुँच जाता है और टेरी से कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया वो भी सिर्फ $10,000 के लिए। ये सुनकर टेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉबी को थप्पड़ मार देती है और बॉबी भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब टूटा हुआ दिल लेकर बॉबी सीधा अपनी दोस्त बोनी के घर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है और बोनी भी हाँ कर देती है और उसी समय ये दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बॉबी के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और उसके 92% नंबर आए हैं और इसलिए अब उसकी टीचर टेरी के जाने का भी समय आ गया है। टेरी अब वहाँ से जाते हुए बॉबी से मिलकर उसे एक स्वीट सी किस करती है और वहाँ से चली जाती है और ये सबसे बॉबी बहुत खुश होता है। और अब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर